तैयारी कर रहे हैं। ये कितने का है? आई डोंट नो। अच्छा ये वाला कितने का है? मैडम मुझे नहीं पता। तो और किसको पता होगा? तुझे नहीं पता तो शॉप तेरी है तो तुझे ही पता होना चाहिए ना। मैडम ये दुकान मेरी नहीं है। तो यहाँ खड़ी किस लिए है फिर? ये दुकान इसी की है, इसको शर्म आ रही होगी हमें बताने में कि ये दुकान इसकी नहीं है। चुपचाप बताए ये कितने का है। मैडम मैंने आपको बोला ना मुझे नहीं पता। अरे ओ तू इसका प्राइस बता, तू बहस मत कर और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम तेरे से बहस करें। जो पूछ रहे हैं सिर्फ उसका जवाब दे, जुबान चलाने की तो बिल्कुल कोशिश भी मत करियो हमारे साथ। ये लोग ना होते गरीब हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत अमीर हैं। चुपचाप बता इसका रेट। दो वर्ड इंग्लिश की के सीख लिए बस। आई डोंट नो। ये देर से बहस करे जा रही है, ये नहीं कि जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दे और तू हमसे बहस करना चाह रही है। इसमें जरा सी भी तमीज नाम की चीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए? मैडम तमीज तो आप में नहीं है, आप बदतमीजी कैसे कर रही है मेरे साथ? बदतमीजी कैसे कर रहे हैं बताऊं क्या? ये तेरा सामान उठाऊंगी ना और फेंक दूंगी, समझी? और उसके साथ साथ तुझे भी फेंक दिया जाएगा। और तुझे पता नहीं है तू किससे बहस कर रही है? इसका हस्बैंड ना यहाँ का कितना पावरफुल मैन है, पता इसे? किसको बता रहे हैं हम? इसको तो 2 मिनट में यहाँ से बाहर निकलवा देगा वो। बुलाती हूँ मैं उसे। खैर तेरा सामान उठाऊंगी और नीचे फेंकूंगी। मैडम तमीज से। पता है तुम जैसे झुग्गी झोपड़ी वालों की ना मेरे सामने बोलने की भी औकात नहीं है। मेरा बहुत बड़ा बंगला है और 3-4 गाड़ियां हैं मेरे घर में। मैं कभी ना गाड़ी के नीचे कदम भी नहीं रखती हूँ। वो तो मुझे कुछ चाहिए था इसलिए मैं आ गई। पर मेरे हस्बैंड होते ना कभी भी मुझे अकेले नहीं आने देते क्योंकि वो मुझे ना रानी बना के रखते हैं। पर तुम जैसे फटीचरों से पता नहीं मैं मुंह ही क्यों लग रही हूँ। टाइम वेस्ट कर दिया वैसे भी मनीषा हमने इतनी देर से इसके साथ। हाँ, इसने जितना टाइम मेरा वेस्ट किया है ना अब मैं देख इसके साथ क्या करती हूँ। बस मेरे पति को आने दे। कोई नहीं मैं बुला लेती हूँ अपने पति को। इसका हस्बैंड ना तेरा सामान भी खरीद लेगा। सामान क्या, खड़े खड़े ना तुझे भी खरीद लेगा। आकाश अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी। देखो ना इस बहन जी ने ना मेरा पूरा मूड खराब कर दिया है। चुप करो तुम, पता है कौन है ये? भैया अब ठीक तो हो ना आप? जी मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप टाइम से नहीं आते ना तो शायद मैं जमीन पर भी गिर जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, माफी मांगो इनसे, मेरी बॉस है। कैसी बात कर रहे हो आकाश, माफी क्यों मांगेगी? ये तो बंगला में रहती है, बंगला कब ले लिए मुझे तो पता ही नहीं है। बंगला हमारे पास कौन सा बंगला होगा, तुम्हारे पापा ने मेरे को दहेज में दे दिया था। मैडम हम तो एक छोटे से कमरे में रहते हैं। आकाश सॉरी मैम मुझे नहीं पता था आप इनकी बॉस हो। ओके मतलब अब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं इनकी बॉस हूँ तो तुम सॉरी बोल रही हो। तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती हो और झूठ तो तुम इतना बोलती हो जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और तुमने क्या बोला कि कभी भी पैर तुम्हारे जमीन पे नहीं पड़ते तो क्या आसमान में हमेशा रहती हो? गरीब होना कोई गुनाह नहीं होता है लेकिन झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह होता है। और आकाश मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि तुम्हारी वाइफ ऐसी निकलेगी। तुम तो हमेशा अपनी वाइफ की तारीफ करते थे, तुम पिछले 10 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो। मुझे लगा था तुम्हारी वाइफ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होगी और मैं इससे मिलने वाली भी थी। हाँ मिल लिया, यहीं पर मुलाकात हो गई, तुम्हारे घर आने वाली थी आज ही मैं। तुम इस टाइप के इंसान हो मुझे पता नहीं था और तुम्हारी वजह से ना आकाश की भी जॉब खतरे में आ सकती है। नहीं नहीं मैम गलती मेरी है ना, जो सजा देनी है मुझे देना, प्लीज आकाश को जॉब से मत निकालना। मैं आकाश को जॉब से निकालूंगी भी नहीं क्योंकि वह तुम्हारी तरह नहीं है, वो लॉयल है, पिछले 10 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है, उसने आज तक ना कोई घोटाला तक नहीं किया है कंपनी में। एंड आई एम सॉरी मैम, इसके झूठ के चक्कर में मैंने भी आपसे बदतमीजी करी बहुत ज्यादा और तुम इतनी झूठी निकलोगी मनीषा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो चंद पैसों के लिए तुमने इतनी धींगे हाँकी और इस बेचारी के साथ भी इतनी बदतमीजी करी और साथ साथ मुझे भी बदतमीज बनवाया। मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप ही नहीं रखना चाहती हूँ। और हाँ इंसान को इंसान समझो, भलाई इसी में है। और तुम इतनी अमीर नहीं हो कि लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करती हो। आज के बाद ना किसी भी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार कर मत देना नहीं तो तुम्हारे पति का जॉब ना नहीं बचेगा। सॉरी मैम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। अगर तुमने दोबारा कोई गलती किया ना तो इसका असर ना तुम्हारे पति के जॉब पे पड़ेगा, याद रखना इस बात को। चलिए मैम ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ